स्टफ टोमेटोज की सब्जी हम आज आपके लिए लेके आए हैं, जो आप डिनर लंच में बना सकते हैं। तो स्टार्ट करें आंटी रेसिपी। श्योर, बताइए। पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गरम होने तक में हम उसका मसाला भरने का है वो रेडी करेंगे। अच्छा, पहले हम बेसन का आटा लेंगे। दो स्पून बेसन का आटा लेते हैं हम। अच्छा, बाद में उसमें धनिया पाउडर डालेंगे। दो स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। मिर्ची पाउडर डालेंगे। अच्छा, मिर्ची पाउडर आपके टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। जितना आपको मिर्ची चाहिए वो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। हल्दी पाउडर डालेंगे। एक चुटकी जितना हल्दी पाउडर डालते हैं हम। नमक अपने टेस्ट के अनुसार नमक ले सकते हैं। अच्छा, और कच्चा सिंगदाना का मैंने बारीक पाउडर किया है, पिसा हुआ सिंगदाना है। कितने आंटी? दो चम्मच सिंगदाना का पाउडर डालते हैं। अच्छा, दो चम्मच हम कैस्यू नट का पाउडर करके रखा है वो डालेंगे। अच्छा। और लास्ट में हम गुड़ डालते हैं। गुड़ को बारीक मैंने पीस लिया है, बारीक कट करके रखा है। धनिया मैंने कट किया हुआ है वो धनिया डालती हूँ मैं अभी। आंटी, गुड़ डालना कंपलसरी है यहाँ पे। हाँ, अगर कोई मीठा नहीं खाए तो अपना टेस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत तो डालना ही पड़ेगा। थोड़ा सा डालना है ना, क्योंकि टमाटर में थोड़ी खटास रहती है ना। अच्छा, इसके लिए गुड़ डाले तो इसका टेस्ट ही गुड़ से ज्यादा अच्छा है। अभी लास्ट में हम सभी तेल डाल के उसको मिक्स कर लेंगे। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं सरोज सोना जी के पास आपको स्टफ टोमेटोज की रेसिपी दिखाने। आंटी है राजकोट गुजरात से और उनको कुकिंग का बहुत शौक है, और ये देखिए आज स्टफ टोमेटोज वो कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी वो लेके आए हैं। अभी यहाँ पे हमारा मसाला बन रहा है, इसको अच्छे से मिक्स करके हम आपको दिखाते हैं। अच्छे से हमने यहाँ पे मसाला मिक्स कर लिया है। और आंटी, अब हम क्या कर रहे हैं? अभी हमने टमाटर को ऐसे चार दो ऐसे करके काट करके रखा है, उसके अंदर हम मसाला फिल करेंगे। तो अच्छे से इसमें स्टफ करिएगा मसाले। हाँ, को तो फिर अच्छा टेस्ट आएगा। फिर हम प्रेस भी कर रहे हैं ताकि उसका मसाला बाहर नहीं निकले। तो अभी हम ये सारे टमाटोज को यहाँ पे मसाले से फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे टोमेटो स्टफ कर लिए हैं। आप अभी हमारा तेल गरम हो गया है, उसमें आधा चम्मच राई डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे। वो थोड़ा गरम होने के बाद हम उसके अंदर चुटकी हींग डालते हैं। आंटी, आपको कुकिंग का शौक कहाँ से आया? आपकी मम्मी से? मेरी मम्मी से, मेरी सास के पास से भी सभी से। क्यों? अच्छा, शादी से पहले मेरे को इतना कुकिंग का शौक नहीं था जितना आपकी फिर मदर इन लॉ ने आपको सिखाया। मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को सब सिखाया। उनकी फेवरेट रेसिपी कौन सी थी? मेरी मदर इन लॉ की फेवरेट रेसिपी उंधिया थी। उंधियो, गुजरात में हर कोई जानता है उंधियो। यही डाला है अब हमने यहाँ पे। अभी हमने फिल किया हुआ टमाटो जो हमने मसाला भर के रखा है उसको डालेंगे। तो देखिए स्टफ टोमेटोज की सब्जी फटाफट आपके लिए। कितने साल से बना रहे हैं आंटी ये सब्जी? हाँ, ये सब्जी मैं 15-20 साल से बना रही हूँ। और ये सब्जी आंटी की फ्रेंड्स को इतनी पसंद है कि वो जब भी आती हैं तब वो बोलती हैं उनको यही सब्जी खानी है। राइट आंटी? राइट। आंटी का ह्यूज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, गुज्जू फ्रेंड्स, और आंटी के लिए उनको आंटी के हाथ की यही सब्जी खानी होती है। ये देखिए आंटी को करते हुए यहाँ पे। अभी इसको हम स्लो गैस पर पकने देंगे। कितनी देर के लिए आंटी? 10 मिनट के लिए। अभी उसके ऊपर एक थाली रख के उसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। टमाटर ये ऊपर पानी डालने से और टमाटर पक जाएगा और जलेगा नहीं नीचे। अच्छा। क्योंकि हम अंदर टमाटो के अंदर तेल में ही पकाते हैं, पानी डालते नहीं है। अभी 10 मिनट तक इसको ऐसे ही स्लो पर पकाने देते हैं हम। देखिए यही टिप्स होती है मॉम्स की जो मुझे बहुत पसंद आती है, उनके पास इयर्स का एक्सपीरियंस है। और ये पानी डालने से देखिए कितनी अच्छी सब्जी आपकी बन के निकल के आएगी। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियोस लेके आते हैं आप ही की जैसी मॉम्स की किचन्स में। कोई रीटेक नहीं, कोई रीशूट नहीं, गारंटी ये रेसिपी आपकी किचन में भी ऐसी ही बनेगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब हम आपको 10 मिनट बाद दिखाएंगे। आंटी, बीच में इसको चलाना है हमें?
थोड़ी देर बाद जरा चलाएंगे, चेक करेंगे हम 5 मिनट बाद, तब हम आपको दिखाते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम आपको दिखाते हैं। आंटी इसमें कैसे पता चलेगा कि स्टफ टोमेटोज हमारे बन चुके हैं? उसको थोड़ा टमाटो को ऐसे प्रेस करेंगे तो पता चल जाएगा कि पका है कि नहीं। देखो अभी थोड़ा कड़क है, इसको और 5 मिनट हम इसको हिला के 5 मिनट रखते हैं। इसको हम स्पून से भी चला सकते हैं? हाँ, जो चला सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है हलों से करने का, हल्के हल्के हाथों से, हल्के हाथों से करने का, टमाटर टूट ना जाए। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे स्टफ टोमेटोज आपको दिख रहे हैं। अभी हम इसको फिर से ढक देंगे और स्लो फ्लेम पे ही होने देंगे हम इसको। हाँ, स्लो फ्लेम पे ही रखेंगे। तो फिर हम आपको दिखाते हैं हमारा फाइनल स्टफ टोमेटोज कैसे बन के निकल के आता है। अभी हम फिर से उसको ढक देते हैं, थोड़ी देर पकने देते हैं, और 5-7 मिनट लगेगी इसको पकने देते हैं। तो देखिये 5 मिनट हो गए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं हमारे स्टफ टोमेटोज यहाँ पे। अभी हम देखते हैं पक गया कि नहीं। देखो अभी रेडी है, पूरा पक गया है टमाटर। अभी उसको थोड़ा हम ऊपर नीचे करेंगे और चेक करने के लिए हाथ से टच करेंगे आंटी कि वो सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे दिखने से ही पता चल जाता है, नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं इसकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट बहुत हो गई है। अभी उसमें हमने जो मसाला बनाया था वो बचा हुआ मसाला इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो देखिए कितनी शानदार लग रही है स्टफ टोमेटोज की सब्जी, जो आप गर्मा गर्म चपाती और पराठों के संग खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। सो रेडी आंटी? या देखिए अभी हमारी सब्जी रेडी हो गई है। हम उसको एक बाउल में निकाल के फिर उसके ऊपर धनिया का पत्ता कटा हुआ है वो डाल देंगे। तो ये देखिए अब हम आपको सर्व करते हैं गर्मा गर्म, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। अभी गैस बंद कर देते हैं। आंटी बहुत टेस्टी लग रही है, मन कर रहा है गर्मा गर्म इसको खाएं। आपको जरूर खाना और ये को बताना कैसा बना है। आंटी आपकी सारी फ्रेंड्स को इतनी पसंद है जो कि खुद मॉम्स हैं, तो डेफिनेटली ये सब्जी तो शानदार होगी। गुड़ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं आपके स्वाद के अनुसार। आंटी इज फ्रॉम राजकोट गुजरात, आंटी ने अच्छे से डाला है। देखिए यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। सो देखिए हमने ये सारा अब सर्व कर लिया है और इसको अब हम गार्निश करेंगे धनिया पत्ती से। मुंह में पानी आ जाने वाली सब्जी है, गर्मा गर्म इसको खाएंगे तो मजा आ जाएगा, गारंटी है हमारी। देखिए हमारी ये टमाटर स्टफ टमाटर सब्जी रेडी है। रेडी है तो आंटी इसको लेते हैं हम। और अब थैंक यू सो मच आंटी फॉर द लवली रेसिपी। मॉम्स के संग कुकिंग करने का मजा ही अलग है। प्यार के तड़के के संग आपको रेसिपीज दिखाती हैं तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। मिलेंगे दोबारा, बाय बाय एवरीवन।